फिर आते हैं हम लोग इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है हमारा में पढ़ना है, दैट इज फोर्स। तो फोर्स इज एनी पुश और पुल, राइट। तो फोर्स और स्टेट ऑफ मोशन के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं, स्टेट ऑफ मोशन। तो स्टेट ऑफ मोशन हमें कहाँ से पता चलता है? तो स्टेट ऑफ मोशन इज का जो पैरामीटर है हमारे पास, दैट इज वेलोसिटी, है ना। अब वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर है, इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी, ठीक है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी है। तो फोर्स क्या करता है, इसी स्टेट को बदलता है। तो फोर्स चेंजेस, है ना, ये क्या करता है, चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन। तो अब ये स्टेट ऑफ मोशन बदलने के लिए आपके पास दो पैरामीटर है, या तो मैग्नीट्यूड बदलेगा भाई जो है वेलोसिटी का, या डायरेक्शन बदलेगा, ठीक है। तो फोर्स दोनों काम कर सकता है। तो फोर्स इज अ पुश और पुल विच चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन, है ना। पुश और पुल किसी भी तरह से लगाया जा सकता है, स्ट्रिंग से लगा रहे हो, डायरेक्ट लगा रहे हो, बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं। तो फोर्स चेंजेस स्टेट ऑफ मोशन, है ना। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, एक ब्लॉक ले रहे हैं हम, सपोज ये इनिशियली चल रहा था वी स्पीड से, ठीक है, आगे चल रहा था वी स्पीड से अलोंग दिस लाइन, ठीक है। हम एक फोर्स लगाते हैं सपोज इस डायरेक्शन, है ना, दिस फोर्स एफ। अब ये फोर्स के पास, इस फोर्स का दो कॉम्पोनेंट है हमारे पास, एक हॉरिजॉन्टल, है ना, अलोंग द लाइन, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो दैट इज अगर ये एंगल थीटा पे एक्ट कर रहा है, है ना, अगर ये हमारा रेफरेंस एक्सिस है उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, तो दिस इज एफ कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो लगेगा दैट इज एफ साइन थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, तो एफ साइन थीटा। अब एफ कॉस थीटा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलेगा, ठीक है, क्योंकि दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये क्या बदलेगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, राइट है। तो वेलोसिटी एफ कॉस थीटा विल चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, it will change magnitude of velocity, ठीक है, ये बदलेगा velocity का magnitude। और ऐसे forces को हम क्या कहते हैं, ये force कहला जाता है tangential force, ठीक है। और f sin theta क्या करेगा, this is acting perpendicular, है ना, this is acting perpendicular to direction of velocity of velocity, so this is normal force, है ना, एक तरह से normal force है यहाँ पर, ये इसके लिए normal force, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या बदल सकता है, डायरेक्शन, इसका वेलोसिटी पे कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं आएगा, डायरेक्ट मतलब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, डायरेक्शन तो ये बदल ही सकता है ना। तो ये काइंड ऑफ ये ब्लॉक जो है चलेगा, तो ये अगर फ्री है चलने के लिए, तो ये इस तरह से ऐसा पाथ, है ना, जो बना रहा है मैं, इस तरह का पाथ ले सकता है, ठीक है। अब ये देखो टेंजेंशियल फोर्स क्या क्या बदल सकता है, अब टेंजेंशियल फोर्स मैग्नीट्यूड बदल रहा है, तो ये काइनेटिक एनर्जी बदल सकता है, पावर बदल सकता है, तो ये रिस्पॉन्सिबल किस किस बात होती है, टेंजेंशियल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फोर, रिस्पॉन्सिबल फॉर काइनेटिक एनर्जी, पावर, है ना, जो भी चीजें वेलोसिटी से रिलेटेड है ना, वो बदल सकता है, मोमेंटम, तो ये सब बदला जा सकता है इस फोर्स से। बट एफ साइन थीटा क्या बदलेगा, सिर्फ डायरेक्शन, ठीक है। ये आगे चल के हम इसको किस नाम से पढ़ते हैं, सेंट्रिपिटल फोर्स, है ना, इसी को जाके आगे हम लोग सेंट्रिपिटल फोर्स के नाम से डिस्कस करेंगे, क्लियर है। अब यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स कहने का मतलब है, अब देखो एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन या जो फोर्स लग रहा है वो दो चीज बदल रहा है, एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो इसलिए हम एक ऐसा लेके देखते हैं, सपोज एक पार्टिकल कुछ ऐसे पाथ पे चल रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी है यहाँ पर जो टेंजेंट बनाएंगे, दैट विल गिव अस वेलोसिटी, राइट, है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज दिस टेंजेंट, अगर पार्टिकल का पाथ ये है तो। अगर यहाँ पे हम एक फोर्स लगाएं एफ, है ना, दिस इज
एंगल एट एन एंगल थीटा। तो ये एफ कॉस थीटा अगेन यहाँ क्या बदलेगा, इसका वेलोसिटी, ठीक है, एफ कॉस थीटा विल चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन जो हम लिख रहे हैं तो दैट इज डी वी बाई डी टी। यहाँ पर जब हम इंक्लूड कर रहे हैं डी वेक्टर बाई डी टी तो इसमें दोनों चीजें आ रही है ना, बट सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहलाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, at is equal to, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, f cos theta upon mass, है ना, f is equal to ma, तो उसी से हम लोग ये टेंजेंशियल is equal to force f cos theta upon, तो जो along the velocity है वो डिफरेंशियल। और नॉर्मल एक्सेलरेशन के लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों, बताइए, नॉर्मल के लिए एफ साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर एक कंपोनेंट ऐसा भी तो आएगा, है ना, ये परपेंडिकुलर, दिस इज एफ साइन थीटा, तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, या ए एन इज इक्वल टू एफ साइन थीटा अपॉन एम। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत? अब देखो ओवरऑल एक्सेलरेशन बॉडी का क्या होगा, अब ओवरऑल एक्सेलरेशन जो हम यहां पर ये कह रहे हैं, दिस इज टोटल एक्सेलरेशन, हम कहे टोटल एक्सेलरेशन, तो टोटल एक्सेलरेशन इज ए टेंजेंशियल, ठीक है, प्लस ये कैसा एडिशन है, वेक्टर एडिशन, और दोनों परपेंडिकुलर है, ए नॉर्मल। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात होगी, ए टोटल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? तो टोटल एक्सेलरेशन जब भी करोगे तो अगर फोर्स का दो कंपोनेंट बन रहा है तो एक टेंजेंशियल होगा, एक नॉर्मल कंपोनेंट होगा, तो दोनों से आपको कैलकुलेशन करनी चाहिए, है ना। बेसिकली एफ साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, इसी को हम आगे जाके क्या कहते हैं, दिस इज सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। चलो नेक्स्ट इज इन दिस चैप्टर इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। सबको आवाज क्लियरली आ रही है ना, ना थर्ड टॉपिक इज इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, बॉडी इज एट रेस्ट। अगर इक्विलिब्रियम कब पॉसिबल है हमारे लिए, इफ सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन अ बॉडी इज जीरो, देन बॉडी इज एट ए रेस्ट। क्योंकि हाँ, रेस्ट हो ये जरूरी नहीं है, अब उसका एक स्पेशल केस है कि रेस्ट पर है ना, एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो ये बताता है क्या कि ए नेट, दिस इंप्लाइज ए नेट इज इक्वल टू जीरो। अब इसके लिए हम हमारे पास दो कंडीशन हो सकते हैं, है ना, ए नेट इज जीरो, अगर ए जीरो है तो ये क्या इंप्लाई करता है कि वेलोसिटी क्या है, कॉन्स्टेंट, इट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो कांस्टेंट वेलोसिटी में या v इज इक्वल टू जीरो है तो ये क्या कहलाता है, रेस्ट, और v इज इक्वल टू कुछ है तो ये उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा, है ना। तो दो केसेस यहाँ बन जाते हैं, तो एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब कभी भी ये नहीं है कि बॉडी रेस्ट पर है, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जीरो है मतलब चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो। अब जब एफ नेट इज जीरो, है ना, सिग्मा सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज जीरो, तो ऐसे फोर्सेस को क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्सेस, ठीक है, बैलेंस फोर्सेस। तो बैलेंस का मतलब कि लेफ्ट और राइट या नेट सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज जीरो, तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते, किस नाम से जानते हैं, बैलेंस फोर्सेस। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, अब जैसे एक मान लो एक स्ट्रिंग पे कुछ ब्लॉक लटका हुआ, है ना, तो दिस इज बैलेंस फोर्स। इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है t, तो हम यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, p
टी इज इक्वल टू एम जी। अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब रेस्ट पर है, तो टी इज इक्वल टू एम जी, तो दिस इज केस ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर मेरे पास कोई ब्लॉक सिस्टम है इस तरह का, ए इस पे लग रहा है फोर्स एफ टू, इधर से लग रहा है फोर्स एफ वन, तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इज जीरो, तो ये कैसा फोर्सेज होगा, बैलेंस फोर्स। तो इफ एफ वन इज इक्वल टू एफ टू देन दिस इज एट रेस्ट, कह सकते हैं शुरुआत में अगर रेस्ट पर था तो रेस्ट पर ही रहेगा, अगर वो किसी वेलोसिटी से चल रहा था तो उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा, इन दोनों फोर्सेज का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, है ना, इफेक्ट मतलब वेलोसिटी के चेंज में कोई इफेक्ट नहीं आ सकता है, क्लियर। अगर ये कोई बॉडी जमीन पर रखी हुई है इस तरह से, है ना, मास एम, नीचे क्या लग रहा है एम जी, एक नॉर्मल नीचे लगता है, नॉर्मल इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ध्यान रखिएगा, और एम जी इज ग्रेविटेशनल फोर्स, तो एन और एम जी एक्शन रिएक्शन क्लियर नहीं है, हम लोग और डिटेल में देखेंगे आगे जब थर्ड लॉ पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, अभी हम बेसिकली सेकेंड लॉ पे बात कर रहे हैं। तो एन इज इक्वल टू एम जी, तो यहाँ पे अगर हम देखें बैलेंस फोर्स इज एन इज इक्वल टू एम जी, है ना, बट एन एंड एम जी आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर, है ना, क्योंकि नेचर ऑफ फोर्सेज अलग है। अब ये हो गया सिंगल वन डायमेंशन में, जब आपको इक्विलिब्रियम प्रूव करना है तो हम इस तरह से कुछ कर सकते हैं।